नमस्कार। क्लास फोर के मैथ्स पढ़ने वाले भैया बहनों के लिए फिर से एक बार आप सबको वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन दैट इज गिवन इन योर एक्सरसाइज 9। ओके, सो जस्ट ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी एंड वॉच एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज नंबर 9। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर 4089 बैग्स ऑफ व्हीट एंड 1896 बैग्स ऑफ शुगर इन ए स्टोर। Find the total number of bags in the store. Write the number sentence and solution sentence also. इस क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि एक स्टोर है, उस स्टोर में गेहूं का बोरा 4089 है और चीनी का बोरा में चीनी आता है ना पैक होकर, तो 1896 बैग है, यानी बोरा है। बैग मीन्स बोरा, गेहूं का और चीनी का है, एक स्टोर में है रखा हुआ। तो टोटल कितने बैग्स हुए, कितने बोरे हुए, उनको ऐड करना है। लेकिन आगे लिखा है राइट द नंबर सेंटेंस एंड सॉल्यूशन सेंटेंस। ऐड कैसा करना है, ऐड करना है कॉलम में लिख के और बगल में स्टेटमेंट भी लिखेंगे, सेंटेंस भी लिखेंगे, जैसा आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आप किताब में एग्जाम्पल को देख के उसको समझ सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 आगे बनाकर दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे लिखाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट ऐसे लिखाएगा, बैग्स ऑफ वेट इक्वल टू 4089 एंड बैग्स ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1896। सो द टोटल बैग्स, टोटल दोनों मिलाकर कितना हो गए, तो वी विल ऐड दिस और इसको ऐड करेंगे यानी प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो 5985 आएगा। और आंसर जो आएगा सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन हुआ, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, किताब में जो दिया हुआ है राइट द नंबर सेंटेंस एंड द सॉल्यूशन सेंटेंस। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैग्स, तो हमने लिखा है द टोटल नंबर ऑफ बैग्स आर 5985। अंडरस्टैंड, इस प्रकार से जो मैंने बनाया है, तो इस प्रकार से स्टेटमेंट लिख कर, या इसको बोलते हैं सेंटेंस लिख करके, इसको आंसर बनाना है यानी सॉल्यूशन बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए फैक्ट्री प्रोड्यूस 5385 केक्स ऑन मंडे एंड 3897 केक्स ऑन ट्यूसडे, हाउ मेनी केक्स वेयर प्रोड्यूस्ड इन 2 डेज। एक फैक्ट्री में जहां केक बनता है, मंडे को बना 5385 केक्स एंड ट्यूसडे को बना 3897 केक्स, तो दोनों दिन में मिलाकर टोटल कितना केक्स बना। इसी प्रकार जैसा मैंने 1 बनाया है वैसा ही ये दूसरा भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए शॉपकीपर बाउट 4583 नट्स एंड 2836 बोल्ट्स, हाउ मेनी पीसेस डिड ही बाई इन ऑल, राइट द नंबर सेंटेंस एंड सॉल्यूशन सेंटेंस। एक दुकानदार अपनी कॉपी में अपनी दुकान के लिए नट और बोल्ट खरीदता है, तो नट खरीदा 4583 और बोल्ट खरीदा 2836, तो दोनों मिलाकर टोटल कितना आइटम खरीदा, तो इसको भी ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ आइटम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देर आर 3786 मेन, 2986 वोमेन एंड 3508 चिल्ड्रेन इन ए विलेज,
व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस विलेज। एक गांव है, विलेज है, उस विलेज में मेन यानी पुरुष रहते हैं 3786, वोमेन मीन्स महिला 2983 रहती है, एंड बच्चे चिल्ड्रेन 3508। ये तीन प्रकार के लोग रहते हैं, मेन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। तो टोटल वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो गया, टोटल कितने लोग रहते हैं, वहाँ की आबादी कितनी हुई, तो इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ टोटल लिखा हुआ, टोटल का मतलब ही होता है जोड़ना, ऐड करना। क्वेश्चन नंबर 5, देर आर 3527 काउज, 4809 बफेलोज एंड 1283 अदर कैटल्स इन ए विलेज। हाउ मेनी टोटल कैटल इन द विलेज। यहाँ टोटल कैटल यहाँ भी निकालना है कि टोटल कैटल कितना है। तीन प्रकार के कैटल हैं, कैटल मीन्स पशु, 3527 काउज, 4809 बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस एंड 1283 अदर कैटल यानी कुत्ता, बकरी, घोड़ा, ये सब अदर कैटल। तो टोटल कितने कैटल हो गए उस विलेज में, ऐड कर देंगे, इसको भी यहाँ भी टोटल लिखा है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 E9 इलेक्शन अब्दुल गौड 3825 वोट्स एंड बिमल गौड 1309 वोट्स, मोर देन अब्दुल। हाउ मेनी वोट्स डिड बिमल गेट, हाउ मेनी वोट्स डिड बोथ ऑफ देम गेट ऑल टुगेदर। चुनाव होता है, कभी कभी हमारे यहाँ विधायक का, MP का, मुखिया का चुनाव होता है, तो अब्दुल को 3825 वोट मिला और बिमल को 1309 वोट मिला, ज़्यादा मिला, अब्दुल से ज़्यादा, यानी 1309 वोट ज़्यादा मिला, तो यानी अब्दुल से बिमल को इतना ज़्यादा मिला। तो आगे है कि हाउ मेनी वोट्स डिड बिमल गॉट, तो बिमल कितना वोट मिला उसको, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो वोट होगा बिमल का, और अब्दुल का तो दिया हुआ है यहाँ पर जो है। फिर लास्ट में लिखा है हाउ मेनी वोट्स डिड बोथ ऑफ देम गेट टुगेदर, और दोनों को मिलाकर कितना वोट आया, कितना वोट पड़ा। तो सबसे पहले 3825 वोट ये अब्दुल का है, और बिमल का वोट इतना ज़्यादा है उससे, यानी इसमें 3000 में जोड़ देंगे इसको, तो जो वोट आएगा वो बिमल का होगा, यानी वो 5000 के आसपास हो जाएगा, 4000 समथिंग। अब उसके बाद दोनों वोट को, जो ये दोनों को जोड़ने के बाद जो 5000 आएगा उसको जोड़ देंगे 3825 में, तो वो टोटल वोट हो जाएगा, ऑल टुगेदर वोट्स। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द पोस्टमैन डिलीवर्ड 28,753 लेटर्स इन जनवरी। जनवरी महीना में पोस्टमैन इतना चिट्ठी लोगों को देता है, बांटता है, एंड 12,391 लेटर्स इन फरवरी, और फरवरी में इतना चिट्ठी बांटता है। हाउ मेनी लेटर्स डिड ही डिलीवर इन 2 मंथ, तो जनवरी और फरवरी मिला करके दोनों महीने में वो टोटल कितना चिट्ठी दिया, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, और नंबर सेंटेंस इसी प्रकार से लिखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, कुमार हैज 12,539 स्टाम्प माने टिकट जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, एंड रीता हैज 34,818 स्टाम्प्स इन देयर एल्बम। एल्बम में जमा करके रखते हैं ये लोग, कुछ लोग एल्बम में फोटो जमा करते हैं, ये कुमार और रीता दोनों एल्बम में टिकट जमा करके रखते हैं, साट के रखते हैं। हाउ मेनी स्टाम्प्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स दोनों मिलकर के कितना टिकट कलेक्ट किया, तो दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर। और इसको लिखा कैसे जाएगा, वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने 1 लिखा था, कुमार्स हैज 12,539 स्टाम्प्स, रीता हैज 34,818 स्टाम्प्स, एंड टोटल स्टाम्प्स यानी इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो दे हैव
47,357 स्टॉप्स ऑल टुगेदर, दोनों मिलकर इतना। सिमिलरली यू कैन सॉल्व इजली द क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, हमने दो बनाया है और आप इतना क्वेश्चन बना लेंगे। नेक्स्ट जो इसमें बच गया क्वेश्चन नंबर 9 to 16, यस्टरडे आई विल सॉल्व इट अगेन। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय।